मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संकेत दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 31 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों के जरिए जनता का फीडबैक लिया था, जिसके अनुसार अधिकतर लोगों का यही मत था कि 26 मई के बाद भी कुछ समय के लिए कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें इसी तरह लागू रहें। व्यापारियों पर ज्यादा होता है कि उनका काम बिल्कुल बंद हो जाता है। शटर डाउन होने का मतलब है, दुकान बंद होने का मतलब है कि काम बंद है। तो ये स्थिति तो है। दूसरा, हमारा फीडबैक लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आम जनमानस क्या बोल रहे हैं। तो आम जनमानस में बहुत बड़ा एक इस बात के लिए जोर का आग्रह था कि अभी हर हालत में कर्फ्यू कंटिन्यू होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए जैसे वर्तमान में लगा हुआ है। 3 एजेंसीज हमारे पास होती है जो, और फिर उसके बाद हमारा जो बाकी लोगों से संबंध होता है, संपर्क होता है, पार्टी के लोगों से, दूसरे लोगों से बातचीत होते हैं, लेकिन 3-4 एजेंसीज के माध्यम से हमको इनपुट आता है, मीडिया, IB, CID, और उसके बाद हेल्थ का। तो हमने टेक्निकल ग्राउंड्स पर फीडबैक लिया कि आप बताइए हमको इसमें कि इस वायरस में इतनी कमी आई है तो ये रिस्ट्रिक्शंस लागू रहनी चाहिए। तो जो है वो सारी चीज़ों का एक असेसमेंट लेने के बाद, एक कंक्लूजन कैबिनेट में डिटेल डिस्कशन के बाद फिर ये हुआ कि 26 तक ऑलरेडी हमारा है, 26 तक हमारा ऑलरेडी है, तो 4 दिन को एक्सटेंड करने में कोई इस तरह से कठिनाई नहीं। और उसके बाद डेफिनेटली इसको फेस्ड मैनर में टेपर डाउन करेंगे इस रिस्ट्रिक्शन को हम, और उसको कोशिश यही करेंगे कि भाई उसके बाद व्यापारियों के लिए क्या सहूलियत है जो आपने दिया है, इसमें प्रपोजल दिया है। शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने आए कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को मांग पत्र के जरिए अपनी दिक्कतें बताई। ETV भारत के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा।